नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। म्यांमार के स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री आंग सान सूची पिछले कुछ दिनों से भारत में हैं। इस दौरे पर उन्होंने बिम्स्टेक सम्मेलन में तो हिस्सा लिया ही, साथ ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। दोनों देशों ने एक बार फिर से कई क्षेत्रों में सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। माना जा रहा है कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में म्यांमार ने जिस तरह से खुलकर भारत का समर्थन किया, उससे बिम्स्टेक जैसे मंचों पर भारत का एजेंडा और मजबूत हुआ है। विशेष में आज हम इन तमाम मसलों पर बात करेंगे और बताएंगे दोनों देशों के बीच अब तक कैसा रहा है संबंध। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। भारत के दौरे पर आई म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सूची ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों देशों ने ऊर्जा, बैंकिंग और बीमा के क्षेत्र में 3 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। भारत और म्यांमार के बीच सुरक्षा समेत एशिया की राजनीति पर विचार विमर्श हुआ। म्यांमार में एनएलडी की सरकार बनने के बाद उसके नेता और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित आंग सान सूची की यह पहली भारत यात्रा थी। सूची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद ये समझौते बीमा, बिजली और बैंकिंग क्षेत्र में सहयोग से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार को कृषि, उद्योग, बुनियादी ढांचे के निर्माण और लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण सहित हर क्षेत्र में सहयोग का वादा किया। इंडिया हैज अ रोबस्ट डेवलपमेंट कोऑपरेशन प्रोग्राम विद म्यांमार फ्रॉम द मेगा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स लाइक कालादान एंड ट्राइलेटरल हाईवे टू प्रोजेक्ट in the fields of human resource development, healthcare, training and capacity building. We are sharing our resources and expertise with Myanmar. Today we have agreed to enhance our engagement in several areas, including agriculture, power, renewable energy, oil and gas, and financial sector. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूची को भारत का पुराना मित्र बताया और म्यांमार में लोकतंत्र स्थापित करने में उनकी भूमिका की तारीफ की। उन्होंने भारत को सूची का दूसरा घर बताते हुए उनकी गोवा यात्रा के लिए धन्यवाद भी दिया। म्यांमार हैज कमेंस अ न्यू जर्नी अंडर योर एबल लीडरशिप। इट इज अ जर्नी ऑफ होप एंड मच प्रॉमिस। योर डायनेमिज्म and popularity is leading your country to develop its agriculture, infrastructure and industry, strengthen its education and skills its youth, build modern institutions of governance, connect more deeply with South Asia and Southeast Asia and provide security to the citizens. Let me assure you, Excellency, that as you lead Myanmar to become a modern, secure, economically prosperous and better connected nation, India and its friendship will stand with you in full support and solidarity. दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग के लिए सीमा की सुरक्षा और शांति को अहम बताया। आंग सान सूची ने लोकतंत्र के विकास में भारत के सहयोग की अपील की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिए गए संयुक्त वक्तव्य में खास तौर पर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को याद किया। उन्होंने कहा कि म्यांमार को भारत के लोकतंत्र, विविध संस्कृति और बहुलता के प्रबंधन से बहुत कुछ सीखना है। In our struggle, we have been helped greatly by the thoughts of Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru, great leaders of the Indian independence movement, who have inspired us with their vision and with their belief in their people. We, as a nation struggling to make democratic culture take root in our country, believe in our people. Without a belief in our people, we could not think of setting up a democratic system of government. We believe that India, with its experiences so similar to us in many ways, will be able to help us in our endeavors. आंग सान सूची ने भारत से म्यांमार के आर्थिक और राजनीतिक विकास में मदद की अपील की। उन्होंने कहा कि वे भारत की विकास यात्रा से बहुत प्रभावित हैं।
We have much to do. We are behind India in the field of development as well as in the field of the politics, if you like, political development, both political and economic development. But we are confident that we will be able to make up for lost time with the support and understanding of our friends. This is why the capacity building programs that India is envisaging for us will be of tremendous help. This will move us forward from a position where we are almost behind all the other South Asian countries to the position we used to hold at one time when we were the first country in Southeast Asia. इस दौरे पर सूची को भारत में अभूतपूर्व सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के विशेष मेहमान के तौर पर उन्हें राष्ट्रपति भवन में रखा गया। यह सम्मान सिर्फ विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को ही दिया जाता है। म्यांमार में सैन्य शासन के समय बने संविधान के मुताबिक वे वहां की राष्ट्रपति नहीं बन सकती, लेकिन उनके संघर्षों का सम्मान करते हुए भारत ने उन्हें यह महसूस नहीं होने दिया। दिल्ली आने से पहले वे गोवा गई थी, जहां उन्होंने बिम्स्टेक और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। गोवा में उन्होंने आतंकवाद के मसले पर खुलकर भारत का साथ दिया। विदेश मंत्री के रूप में आंग सान सूची की भारत यात्रा एक ऐतिहासिक क्षण है और हम दरअसल एक नए इतिहास का बनना देख रहे हैं। भारत और म्यांमार के संबंधों के बीच में कई तरह के उतार चढ़ाव पिछले दिनों आते रहे हैं, लेकिन चूंकि लोकतांत्रिक परंपराओं से आती है आंग सान सूची, इसलिए हम इसमें अस्थायित्व की आशा करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। ब्रिक्स सम्मेलन में इस बार भारत ने सार के बदले बिम्स्टेक देशों को न्योता दिया। पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए भारत ने यह कदम उठाया। लक्ष्य यह था कि ब्रिक्स सम्मेलन में आतंकवाद के मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरा जाए और वैश्विक आतंकवाद पर दुनिया का समर्थन जुटाया जाए। म्यांमार ने इस दिशा में भारत का खुलकर समर्थन किया। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के एजेंडे में आतंकवाद सबसे अहम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान को घेरा। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उसे आतंकवाद की जन्मभूमि करार दिया। उरी हमले के बाद भारत लगातार इसी कोशिश में है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया जाए। ऐसे में ब्रिक्स सम्मेलन के लिए जब बिम्स्टेक देशों को बुलाया गया, तो बिम्स्टेक के मंच पर भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि उसने आतंकवाद को उपयोगी हथियार बना लिया है। म्यांमार समेत सभी बिम्स्टेक देशों के प्रधानमंत्रियों ने आतंकवाद की निंदा की बजाय निर्णायक कार्रवाई की अपील की। दिस कंट्री इन इंडियाज नेबरहुड एम्ब्रेसेस एंड रेडिएट्स द डार्कनेस टेररिज्म। टेररिज्म हैज बिकम इज फेवरेट चाइल्ड एंड द चाइल्ड इन टर्न हैज कम टू डिफाइन द एसेंशियल कैरेक्टर एंड नेचर ऑफ इट्स पेरेंट्स। आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए बिम्स्टेक देशों ने सहमति जाहिर की है, लेकिन म्यांमार की स्टेट काउंसिल और विदेश मंत्री आंग सान सूची ने यह साफ किया कि म्यांमार मौजूदा वक्त में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। सूची ने उरी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि म्यांमार दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में हर किस्म के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार है। We must be united in standing together against all forms and manifestations of violent extremism relating to religious, cultural and social intolerance. At this point, I would like to mention that we sympathize wholly with the people of India with regard to the terrorist acts that took place in Uri not so long ago. जानकारों का मानना है कि म्यांमार और भारत आतंकवाद के दर्द को साझा तौर पर समझते हैं और यही वजह है कि दोनों मुल्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद और चरमपंथ के खिलाफ संघर्ष पर जोर दे रहे हैं। भारत और म्यांमार की सीमा पर भी कई उग्रवादी संगठन सक्रिय हैं, जो दोनों देशों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। देखिए, म्यांमार जो है एक खुद आतंक का शिकार देश है, वहाँ भी आतंकवाद काफ़ी सक्रिय है। कल जब सुषमा स्वराज हमारी जो विदेश मंत्री हैं, जब उन्होंने कॉल ऑन किया इनके ऊपर और आंग सान सूची पे, उनको जब मिलने गई
तो सबसे पहले उन्होंने जो अभी रिसेंटली जो वहाँ पे राखेन स्टेट में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसको उसके ऊपर उन्होंने अपनी दुख जताया। सिर्फ आतंकवाद ही नहीं बल्कि म्यांमार के साथ भारत कई तरह के सहयोग चाहता है। ब्रिक्स में सार्क देशों को ना बुलाने के फैसले के विकल्प के रूप में जब भारत ने बिम्स्टेक को देखा तो उसमें दक्षिण एशिया के बाहर के सिर्फ दो देश शामिल थे, थाईलैंड और म्यांमार। जाहिर है सार्क के बाहर इन दोनों देशों के सहयोग को भारत अहम मान रहा है। ऐसे में आतंकवाद के मुद्दे पर बिम्स्टेक के मंच पर म्यांमार के खुले समर्थन से भारत उत्साहित है। आप बांग्लादेश कहे या म्यांमार कहे या नेपाल कहे, ये सारे मुल्कों ने मतलब इंडिया के जो स्टैंड है टेररिज्म के ऊपर, जो एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के ऊपर, उसको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। लेकिन कल जब मेरी बातचीत हो रही थी आंग सान सूची के साथ, उन्होंने एक चीज़ कहा है वो बहुत ही अहम था। उन्होंने ये कहा कि हमें टेररिज्म को आइसोलेट करना पड़ेगा, ना तो कोई नेशन या कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई तंजीम को मतलब आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, कोई मुल्क को आइसोलेट नहीं कर सकते, हमें टेररिज्म को आइसोलेट करना पड़ेगा। भारत और म्यांमार सीमा पर NSCN के खिलाफ कार्रवाई को ज्यादा महीने नहीं गुजरे, जाहिर है कि दोनों देशों के बीच NSCN समेत कई उग्रवादी समूह सक्रिय हैं और इसी के चलते आतंकवाद और उग्रवाद को लेकर दोनों देश फिलहाल एकजुट होकर लड़ना चाहते हैं। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। म्यांमार में दशकों सैन्य शासन के बाद ताज़ा लोकतंत्र बहाल हुआ है, लेकिन आज भी सेना के पास काफ़ी शक्तियां हैं और ऐसे में आंग सान सूची के लिए आगे की राह आसान नहीं है। भारत के पड़ोस में बसे होने के चलते म्यांमार को लोकतंत्र की सीख आसानी से मिल सकती है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मार्च 2016 में जब तिन चाउ ने म्यांमार के राष्ट्रपति पद की कमान संभाली तो उस मुल्क के लिए ये नई सुबह थी। आंग सान सूची की अगुवाई में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने लोकतंत्र बहाली के लिए म्यांमार में लंबी लड़ाई लड़ी। वर्षों तक नजरबंदी में रही सूची के संघर्ष का जज्बा कम नहीं हुआ और आखिरकार म्यांमार की सैन्य सरकार को वहां चुनाव कराना पड़ा। चुनाव में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को भारी जीत मिली और अब म्यांमार फिर से लोकतंत्र के रास्ते पर चल पड़ा है। म्यांमार जानता है कि देश में लोकतंत्र के मॉडल को विकसित करने में भारत उसकी मदद कर सकता है। यही वजह है कि भारत से उसने काफ़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। भारत ने बहुत अहम भूमिका निभाई है ये इनको प्रो डेमोक्रेसी प्रोसेस में बहाल करने में। यहाँ तक कि जो हमारे पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है वहाँ के म्यांमार के, वो हिंदुस्तान में आके पार्लियामेंट्री सिस्टम समझते रहे हैं, समझ भी रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। असल में भारत के लोकतंत्र को आंग सान सूची ने काफ़ी नज़दीक से देखा है। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से की और महात्मा गांधी के मूल्यों में उनका गहरा यकीन है। जानकार मानते हैं कि सूची की अगुवाई में दोनों देश और ज़्यादा करीब आ सकते हैं। म्यांमार के राजनीतिक घटनाक्रम पर भारत की भी पैनी नज़र है। आज भी वहाँ सेना काफ़ी शक्तिशाली है, लिहाजा चुनी हुई सरकार को मजबूत बनाने में भारत और म्यांमार किस तरह एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। म्यांमार में अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आपको पता होगा वहाँ पे जो मिलिट्री है वो अभी भी बहुत उसके बहुत पावरफुल है। अभी भी आंग सान सूची को इतना ज़्यादा पावर्स नहीं है, वो खुद गवर्नमेंट में ज़्यादा हिस्सा नहीं ले सकती है। तो ये हमको देखना पड़ेगा कैसे हम इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, दोनों मुल्क एक साथ मिल के काम कर सकते हैं, कैसे वहाँ पे डेमोक्रेसी को और मजबूत करें और मिलिट्री का जो रोल है उसको और थोड़ा कम कर सकते हैं। हाल ही के वर्षों में भारत के दो पड़ोसी मुल्कों में लोकतंत्र बहाली हुई है, नेपाल और म्यांमार। भारत भी यही चाहता है कि पड़ोसी मुल्कों में लोकतंत्र मजबूत हो, लिहाजा न सिर्फ राजनीतिक सहयोग बल्कि म्यांमार को आर्थिक तौर पर भी मजबूत बनाना भारत के एजेंडे में है। पड़ोसी देश है, हम भी चाहते हैं हमारा जो पड़ोसी देश है एक उसमें स्टेबल गवर्नमेंट हो और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो नेचुरली हम लोग चाहते हैं हमारे आसपास के जितने लोग हैं वो भी हमारे जैसे ही बने। दक्षिण पूर्वी एशिया में म्यांमार भारत का पुराना सहयोगी रहा है। भारत से लाओस तक जाने वाली प्रस्तावित सड़क म्यांमार से होकर गुजरती है, लिहाजा जानकार मानते हैं कि म्यांमार से संबंध जितना मजबूत होगा उतना ही हम दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी साख बढ़ा पाएंगे।
मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट राज्यसभा टीवी। भारत म्यांमार के बीच हाल के दिनों में रिश्ते बेहतर हुए। म्यांमार के रास्ते भारत दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया अपने लिए राजनीतिक भूमिका तलाश रहा है। इधर म्यांमार भी फौजी शासन की छांव से निकलकर अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ते कायम करना चाहता है। चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्तों के उतार चढ़ाव के बीच भारत जिन पड़ोसी देशों पर ध्यान दे रहा है उनमें म्यांमार प्रमुख है। म्यांमार दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारत के संबंधों में सेतु का काम कर सकता है। म्यांमार के रास्ते व्यापार कर भारत समय और धन की बचत कर सकता है। भारत म्यांमार के साथ व्यापार, निवेश, ऊर्जा और विकास कार्यक्रमों में सहयोग बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा भारत म्यांमार के रूप में नया सामरिक और रणनीतिक साझेदार देख रहा है जो लंबे वक्त में काफी अहम साबित होगा। म्यांमार हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेबर है और काफ़ी सारे इश्यूज है जैसे कि काउंटर टेररिज्म, सिक्योरिटी के हवाले से, खास करके हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है। और इसके अलावा जो म्यांमार में एक नया डेमोक्रेसी जो शुरू हुआ है वो कैसा इंडिया मजबूत कर सकता है। म्यांमार और भारत 1600 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा साझा करते हैं। बंगाल की खाड़ी में दोनों देशों के बीच लंबी समुद्री सीमा भी है। हालांकि दोनों देशों के बीच स्थानीय आवागमन और व्यापार तो होता है लेकिन अभी तक कोई महत्वपूर्ण सड़क या रेल लिंक नहीं है। फिलहाल भारत और म्यांमार थाईलैंड के साथ मिलकर 1400 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग पर काम कर रहे हैं। इसके जरिए जल्द ही तीनों देश आपस में जुड़ जाएंगे। तीनों देश इस मार्ग पर एक दूसरे के वाहनों की आवाजाही के लिए मोटर समझौता करने जा रहे हैं। इसके बाद भारत के दक्षिण पूर्व एशिया में बेहतर पहुंच हो जाएगी। ट्राइलेटरल हाईवे बन रहा है जो भारत से शुरू होकर म्यांमार से होते हुए थाईलैंड और लाओस और मलेशिया तक के देशों को सड़क से जोड़ने का जो कार्यक्रम चल रहा है वो कंप्लीट होने वाला है। तो नेचुरली साउथ ईस्ट एशिया में भारत के साथ साथ म्यांमार का भी बहुत उसमें इंटरेस्ट है। दोनों देश आपस में सीमा पार आतंकवाद और विद्रोहियों से निपटने के लिए सूचना साझा करने की संधि कर चुके हैं। म्यांमार के रास्ते बंगाल की खाड़ी के अलावा कंबोडिया, वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों तक भारत आसान पहुंच बना सकता है। इसके जरिए न सिर्फ पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी बल्कि चीन के आर्थिक और सैनिक प्रभाव को कम करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि म्यांमार और चीन अरसे से एक दूसरे के काफी नजदीक रहे हैं लेकिन भारत के साथ म्यांमार के रिश्ते लगातार सुधर रहे हैं। भारत दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार बढ़ाने के लिए रणनीतिक नजरिए से म्यांमार को काफी अहम देश मान रहा है। भारतीय कंपनियां वहां काम कर रही हैं। भारत की टाटा की जो गाड़ी है नैनो, उसका शोरूम यंगून में मैंने देखा, सड़क पे चलती हुई गाड़ियां देखी। तो वो ये जो आपसी संबंध है उसका नतीजा हमने सड़क पे देखा। भारत म्यांमार के साथ दोस्ती बढ़ाकर बिम्स्टेक और आसियान जैसे समूहों में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। भारत और आसियान समूह के समझौते में म्यांमार भी शामिल है। म्यांमार में निवेश करके भारतीय कंपनियां अपनी उत्पादन लागत कम कर सकती हैं। इसके बाद दक्षिण चीन सागर के पार भारत के लिए व्यापारिक संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसके अलावा भारत दक्षिण कोरिया, जापान और वियतनाम जैसे देशों के साथ मिलकर दक्षिण पूर्व एशिया में मजबूत सैन्य उपस्थिति दर्ज करा सकता है। म्यांमार भारत के लिए इस गठबंधन की अहम कड़ी है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। भारत और म्यांमार के बीच सदियों पुराने संबंध हैं। धर्म, संस्कृति से लेकर राजनीति और व्यापार, हर मामले में दोनों देशों ने आपसी सहयोग को मजबूत किया है। पिछले 7 दशकों में एक दौर ऐसा भी आया जब दोनों मुल्कों के बीच खटास बढ़ी लेकिन वक्त के साथ रिश्तों में फिर से मजबूती आई और आज दोनों के बीच अरबों रुपए का कारोबार चल रहा है। आइए एक नजर डालते हैं भारत और म्यांमार के रिश्तों पर। पूर्वोत्तर राज्यों, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से सटा म्यांमार बरसों से भारत के अच्छे पड़ोसी के रूप में जाना जाता रहा है।
ब्रिटिश राज का हिस्सा होने की वजह से म्यांमार शुरू से भारत के बेहद करीब रहा और यही सिलसिला आजादी के बाद भी कायम रहा। सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक स्तर पर दोनों देश एक दूसरे से जुड़े रहे। वक्त वक्त पर भारत म्यांमार की मदद के लिए भी आगे आया, अब चाहे वो आर्थिक संकट हो या फिर क्षेत्रीय विद्रोह हो। हालांकि 60 के दशक में जब म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट किया तो भारत के साथ रिश्तों में कुछ तल्खी आ गई। भारत ने लोकतंत्र के बहिष्कार का विरोध किया जबकि चीन ने म्यांमार से नजदीकियां बढ़ा ली। ये वक्त वाकई में बेहद नाजुक था। म्यांमार में बसे सैकड़ों हजारों भारतीयों को इसका खामियाजा उठाना पड़ा। कईयों को गुलामी की जिंदगी जीने को मजबूर किया गया तो कई देश छोड़कर वापस भारत लौट आए। हालांकि तल्ख होते इन रिश्तों में एक मोड़ तब आया जब 1987 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने म्यांमार का दौरा किया। बातचीत का दौर चला, रिश्ते सुधारने के कई प्रयास किए गए लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। 1988 में एक बार फिर से लोकतंत्र के लिए म्यांमार में विद्रोह हुआ जिसने फिर से दोनों देशों की सीमा पर शरणार्थियों का संकट पैदा कर दिया। हालांकि कुछ साल बाद 1993 में रिश्तों की इस बार ठोस शुरुआत हुई। उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारों ने म्यांमार के साथ अच्छे रिश्ते कायम किए। इसकी एक ठोस वजह चीन का बढ़ता दखल भी था जिसे भारत को हर हाल में रोकना था। भारत ने म्यांमार को वक्त वक्त में मदद भी की, कई दफा म्यांमार को आर्थिक सहायता भी दी गई लेकिन म्यांमार की सरकार के खिलाफ दो दशक तक चलने वाले विरोध पर भारत चुप रहा। हालांकि अब एक बार फिर म्यांमार में बदलते राजनीतिक समीकरण पर भारत की पैनी नजर है। 2013 में भारत ने म्यांमार को विकास के नाम पर 500 मिलियन यूएस डॉलर का लोन भी दिया। साथ ही म्यांमार की सेना को विकसित और आधुनिक करने के लिए भारत हर संभव मदद कर रहा है। अगर आप देखें तो कुछ अभी भी इरिटेंट्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे कि कहा जाता है कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है उनसे काफ़ी जो मिलिटेंट ग्रुप्स है वो कहा जाता है कि उनके म्यांमार में कैंप्स है, तो ये एक अभी भी एक प्रॉब्लम है और इसको दोनों मुल्कों को मिल के मतलब काम करना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो और कोई ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है नहीं। दोनों मुल्कों के कोऑपरेशन करने के लिए बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ पर हम कोऑपरेट कर सकते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ दोनों देशों में मजबूत आर्थिक संबंध भी मौजूद हैं। भारत म्यांमार के लिए एक बड़ा बाजार है। हर साल म्यांमार अरबों के सामान को भारत निर्यात करता है जो म्यांमार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार की एक बड़ी वजह है। भारत म्यांमार का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है जबकि म्यांमार के आयात की लिस्ट में भारत सातवां सबसे महत्वपूर्ण देश है। दोनों देशों के बीच हवाई, जमीनी और समुद्री रास्तों से संपर्क और बढ़ाने के माध्यम तलाशे जा रहे हैं। अनाज की खेती से लेकर आधुनिक तकनीक, स्टील, तेल, गैस जैसे मुद्दों पर पिछले एक दशक से सहयोग में इजाफा हुआ है। देखिए अभी जो हमारा ट्राइलेटरल हाईवे बन रहा है जो भारत से शुरू होके म्यांमार से होते हुए थाईलैंड और लाओस और मलेशिया तक के देशों को सड़क से जोड़ने का जो कार्यक्रम चल रहा है वो कंप्लीट होने वाला है, तो नेचुरली साउथ ईस्ट एशिया में भारत के साथ साथ म्यांमार का भी बहुत उसमें इंटरेस्ट है। इकोनॉमी हमारी उस हाईवे पे बहुत डिपेंड करेगी। 2001 में दोनों देशों के बीच एक राजमार्ग का उद्घाटन भी किया गया जो पूर्वोत्तर राज्यों को म्यांमार को सड़क मार्ग के जरिए आपस में जोड़ता है। वहीं भारत म्यांमार और थाईलैंड के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग भी बनाया जा रहा है जो 2016 में पूरा होना प्रस्तावित है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आज के कार्यक्रम में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।